तो आज मैं आप लोगों को फ्रेजर हिल लेकर के आई हूँ, जो कि हमारे केएल से ये करीब 120 किलोमीटर की दूरी पे है। ये मलेशिया का छोटा सा हिल स्टेशन है, जहाँ पे लोग आते हैं, दो दिन तीन दिन स्टे करते हैं। यहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा रहता है, थोड़ा ठंडा रहता है, तो हम लोग भी आए हैं। और सबसे पहले हम पहुँचे हैं अपने जो हमने यहाँ पे रिजॉर्ट लिया था वहाँ पे। आइए हम आपको बाहर से दिखा देते हैं कि ये कितना अच्छा और प्यारा है। सो जो ये रिजॉर्ट है, इस रिजॉर्ट का नाम है सिल्वर पार्क रिजॉर्ट। और चलिए फिर आइए हम रिजॉर्ट के अंदर चलते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत ये प्लेस है, और वेदर की बात करें तो वेदर भी काफ़ी अच्छा है। तो ये हमारा रिजॉर्ट है, अब चल रहे हैं इसके अंदर। बहुत सारे यहाँ पे टावर हैं, ए बी सी डी ऐसे करके, और मैं आपको यहाँ से एक बार व्यू दिखा देती हूँ। हिल साइड का व्यू है। तो आइए हम चलते हैं ये सिल्वर पार्क रिजॉर्ट के अंदर, देखते हैं रूम वगैरह कैसा है। गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी है। तो अब हम आए हैं फ्रेजर हिल क्लॉक टावर देखने के लिए। तो बहुत सारे लोग हैं, और चलिए चलते हैं, साथ में मेरी मम्मी भी है। तो वहाँ पे क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर के सामने ही आपको एक कैफेटेरिया मिलेगा। तो आइए हम इस कैफेटेरिया में चलते हैं, देखते हैं हमें खाने के लिए यहाँ पे क्या मिलता है। फिश एंड चिप्स करके यहाँ पे बहुत ही फेमस है, तो आइए हम ट्राई करते हैं यहाँ का फिश एंड चिप्स। कौन सा फ्लोर है? तो हमने अपना खाना वगैरह खा लिया, अब हम जा रहे हैं एलेंस वाटर। ये फ्रेजर हिल में ही है, पास में ही है क्लॉक टावर के। तो आइए आप भी हमारे साथ चलिए, देखते हैं वहाँ का हमें कैसा एक्सपीरियंस मिलता है। वेदर की बात करें तो वेदर काफ़ी अच्छा हो रखा है, शाम हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, और 6:30 तक यहाँ पे हर एक चीज़ बंद हो जाती है। डेस्टिनेशन प्लेस पे आ गए हैं एलन वाटर, और अभी हम गाड़ी पार्क करके फिर अंदर बोट ड्राइव के लिए जाएंगे। वाटर में हम बोटिंग कर रहे हैं, जो कि हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये जो वाटर है, इसकी गहराई हमने पता की 10 मीटर के अंदर है, बहुत ही अच्छा लगा काफ़ी। और जस्ट पीछे हमारे है वेजिटेबल फार्म्स, वहाँ पे हम चलेंगे, देखेंगे उधर कॉलीफ्लावर, स्ट्रॉबेरी और अनियन वगैरह, देखते हैं क्या क्या है। तो हम उधर चल के थोड़ा प्लक भी करेंगे, और आपको वहाँ की गार्डनिंग भी दिखाएँगे। सो यहाँ पर वेजिटेबल गार्डन है, और आइए हम इस वेजिटेबल गार्डन के अंदर चलते हैं, देखते हैं।
क्या ली हो दिखाओ? मूली लिए हैं। चलिए आइए देखते हैं। बनाएंगे हाँ पराठा बनाएंगे। हाँ लेना है उधर वेजिटेबल का हम लोगों ने शॉपिंग किया, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ बहुत ताज़ा ताज़ा सब्जी खेत में का और मूली तो बहुत अच्छा, सारी सब्जी बहुत अच्छी थी। हाँ तो चलिए फिर बंद गोभी, फूल गोभी, हरी मिर्ची, अदरक हम लोग सब खेत में से लिए हैं जो कि बहुत ही हाँ बहुत अच्छा था। अब हम बहुत टायर्ड हो गए हैं तो हम चलते हैं घर। और आज का जो ये ब्लॉग है मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। होप आपको फेजर हिल अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।